Class. Hope you are all fine. Today our topic is need and significance. In the previous lecture, we read about a uh, management team, management team, mein kaun -kaun te chief executive officer, chief operation officer, and chief finance officer. Tha. Next, uh, today we read about need and significance. Firstly, is in mein kya hota hai? changing ownership structure. दी प्रोफाइल ऑफ कॉरपोरेट ओनरशिप हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली जो प्रोफाइल होती है कॉरपोरेट ओनरशिप की वो क्या होती है चेंज होती रहती हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक के होते हैं यानी कि एक प्राइवेट कह लें आर सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इज़ द मोस्ट ऑफ द लार्ज कॉरपोरेशन इन दी प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर हो जाते हैं ये पब्लिक फाइनेंशियल जैसे स्कूल वगैरह डिफरेंट स्मॉल लेवल पर जो होते हैं वो क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं उनके शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं एक प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेंटर्स एंड द म्यूचुअल फंडस हैज़ नाउ बिकम सिंगली और जॉइंटली डायरेक्ट चैलेंजेस टू द मैनेजमेंट ऑफ़ द कंपनीज़ क्योंकि जब वो स्मॉल लेवल पे होते हैं तो वो क्या हैं? Uh, होते हैं डिफरेंट होते हैं तो सिंगल होते हैं सिंगल ओनरशिप होते हैं और उसकी मैनेजमेंट और डायरेक्टली वो ज्वाइन करते हैं किसको मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज को सेकेंड हो जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी विदाउट फिजिकल एग्जिटेंट यानी कि एक उसका लीगली एक एंटिटी होती है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं रखती है देर फॉर इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंट देर फॉर इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स इसमें क्या होते हैं लीगली लीगल एंटिटी क्या होती है विदाउट फिजिकल एक्जिस्टेंट नहीं रखती है लेकिन वो मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ अकाउंटेबल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको शेयर होल्डर्स को जो कि के, के प्रोवाइड द फंड्स जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू तो एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर डॉक्टर डायरेक्टर क्या होते हैं आर आल्सो रिक्वायर्ड होते हैं टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर वो डायरेक्टर्स किसको प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को लैंडर्स सप्लायर्स एंड द लोकल कम्युनिटी फॉर इन्हेंसिंग शेयर होल्डर्स वैल्यूज़ वो चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो शेयर होल्डर्स हों हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे लगाएंगे जितने जितना अर्निंग उसी उसी हिसाब से क्या होगी अर्निंग होगी थर्ड वन हो जाता है स्कैम्स इन रिसेंट सेवरल कॉरपोरेट द पब्लिक कॉन्फिडेंस पिछले सालों में क्या आती कॉरपोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस को लो लेवल पे लेके आ रहे हैं आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज हैव बीन ट्रांसफर्म टू जी ग्रुप बाई दॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी वजह से क्या हो रही हैं बहुत बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा कंपनीज बड़े लेवल पर कंपनीज क्या हो रही हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कि बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें क्या हो रही है सबसे जी नंबर यानी सबसे लो लेवल पर आ गया उनका क्योंकि जब जाहिर फ्रॉड्स हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी वजह से क्या होगा पब्लिक कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और नुकसान होने से उनके क्या होगी वैल्यू गिरती जाएगी शेयर होल्डर शेयर्स गिरते जाएंगे और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो गया जी ग्रुप पे आ गया फोर्थ वन क्या हो जाते हैं कॉर्पोरेट ओली शेयर होल्डर एक्टिविज्म एंड शेयर होल्डर डेमोक्रेसी कंटिन्यू टू रिमेन मैथ्स इन इंडिया शेयर होल्डर्स एक्टिविटीज एक्टिविज्म यानी कि शेयर होल्डर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या उनका जो काम होता है एंड शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कॉन्टी चलती रहती है टू रिमेन मैथ्स इन इंडिया जो कि मैथ एक इंडिया की मिसाल दे रहे हैं फॉर एक्ज़ाम्पल पोस्टर बैलट सिस्टम इज़ स्टिल एबजेंट एक कंपनी है उसका वो कह रहे हैं कि स्टिल एबजेंट वो ख़त्म ही हो गई है प्रॉक्सीज आर नॉट अलाउड टू स्पीक एट दी मीटिंग्स किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स एसोसिएशन इन्वेंटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस हैमर्ज एज अंटरवेलिंग फोर्स क्या शेयर होल्डर एसोसिएशन एक एसोसिएशन बनाई जाती है शेयर होल्डर्स के लिए इन्वेंटर एजुकेशन जो एजुकेशन लेवल को चें लेकर चलते हैं एंड अवेयरनेस हैज एज अ काउंटरवेलिंग फोर्स उसे किसी तरह से इस लेवल पर लाया ही नहीं जाता कि वो इमर्ज हो सकें देन फिफ्थ वन आ जाता है ग्लोबलाइजेसन एज़ इंडियन कम्पनीज वन टू ओवरसीज मार्केट्स फ़ॉर कैपिटल कॉरपोरेट गवर्नेस बिकम अ बज वर्ल्ड वो कह रहे हैं डिफरेंट कम्पनीज़ क्या हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई हैं बहुत ज़्यादा वो एक बुज वर्ल्ड में हो चुकी हैं यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं उनका कोई नाम ही नहीं है नेक्स्ट बना था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस बड़े फंडामेंटल बड़े लेवल पे गवर्नेंस होती है उनके फ़ंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं फ़र्स्ट वन इज़ ट्रांसपेरेंसी इट मींस एक्यूरेट एडिकुट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू होल्डर्स विदाउट ट्रांसपेरेंसी इट मीन्स कि हमारे जो डाटा हम दे रहे हैं रेलिवेंट इंफॉमेशन दे रहे हैं किसको स्टेक होल्डर को वो क्या होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें वो शफाफियत होनी चाहिए हमें क्लियर हो वो किस तरह से काम कर रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी प्रोग्रेस टूअर्ड गुड गवर्नेंस ये इम्पॉसिबल नहीं है अभी इम्पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकें बिजनेस हेड्स शुड रियलाइज़ दैट ट्रांसपेरेंसी आल्सो क्रिएट इमेंस शेयर होल्डर वैल्यूज़ ट्रांसपेरेंसी क्या लगती है वैल्यू लेके चलती है किसकी शेयर होल्डर्स की क्योंकि हमारी शफाफियत होगी हमें पता होगा सबको पब्लिक को कि हमारा पैसा किस कहाँ जा रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा शेयर होल्डर्स का सेकेंड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी कॉरपोरेट गवर्नेंस हैज़ टू बी अ टॉप डाउन अप्रोच कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या क्या होती है टॉप डाउन अप्रोच होती है ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जैक्टिव मस्ट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक कॉरपोरेट गवर्नेंस आर रियलिटी इन इंडियन इंडस्ट्रीज या नहीं चेयरमैन और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जैक्टिव होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस को बनाने के लिए एक रियलिटी बनाने के लिए अकाउंटिबिलिटी आल्सो फेवर्स दब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यूज अकाउंटेबिलिटी एक क्रिएट करती है फेवर करती है किसको फेवर्स दी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यूज एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलती है शेयर होल्डर की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए थर्ड बॉन हो जाता है मेरिट बेस्ड मैनेजमेंट अस्ट्रोंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ नेसेसरी टू लीड एंड सपोर्ट मेरिट बेस्ड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो क्या होते हैं हमारी एक कंपनी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं उनकी नीड होती है ज़रूरत होती है तो वो तभी लीड करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं मेरिट बेस्ड मैनेजमेंट को मेरिट पर जब हमारे यहाँ डायरेक्टर आएँगे ऐसी बात वो क्या होंगे कुछ ना कुछ उस स्किल्स रखते होंगे उनमें मैनेजमेंट स्किल्स होंगी मेरिट पर आएंगे तो वो क्या होंगे नेसेसरी होंगे तो वो अच्छे गुड लेवल पर लीड करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे दी बोर्ड हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एंड नॉन पर्टिशन बॉडी वेयर दॉल मोटिव शुड बी डिसीजन मेकिंग थ्रू बिजनेस प्रोडेंट्स जी बोर्ड जो बोर्ड होगी वो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए यानी रिक्रूटमेंट के लेवल पर रिक्रूटमेंट लेवल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसमें फेवरेटिज्म ना हो स्ट्रॉग हो और नॉन पर्टिशन बॉडी वेयर दोल मोटिव जहाँ उसका मोटिव हो कि शुड भी डिसीजन मेकिंग थ्रू बिजनस प्रोड्यूस जो कि बिजनेस के, के मुताबिक क्या ले डिसीजन ले सके नेक्स्ट वन चाहता है ट्रेंड्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या ट्रेंड्स हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में बोर्ड्स आर गेटिंग मोर इन्वॉल्व नॉट इनली इन रिव्यूइंग एंड एवेलुएटिंग कंपनी स्ट्रेटजिक बट आल्सो इन शेपिंग जो बोर्ड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए मोर इन्वाल्व होने चाहिए ना कि सिर्फ देखें और इवेलुएट करें बल्कि एक कंपनी को शेप देने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी डिवेलप करें जो कि कंपनी के लिए क्या हो बेस्ट हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हच पेंशन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज आर बिकम एक्टिव ऑन बोर्ड एंड आर पुटिंग इंक्रीज प्रेशर ऑन टॉप मैनेजमेंट टू इम्प्रूव कॉरपोरेट परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं पेंशन फंड रखते हैं म्यूचुअल फ़ंड रखते हैं इंश्योरेंस होती है कंपनीज की जो देती है वो क्या होनी चाहिए बिकम एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि हम अगर अच्छी अच्छी सहूलियात देंगे फैसिलिटीज़ देंगे अपने एम्प्लॉज़ को तो वो पुटिंग का इंक्रीज़ करेगी प्रेशर ऑन टॉप मैनेजमेंट पर और वो भी वर्किंग अच्छी करेंगे वो भी पेंशन वगैरह में कोई तंगी नहीं करेंगे और जो के क्या करेगी इम्प्रूव करेगी कॉरपोरेट परफॉर्मेंस की तब तो जब एम्प्लॉइज़ को सारी सहूलियात सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी इंश्योरेंस पेंशन फ़ंड हर चीज़ का फंड्स मिल रहा होगा तो वो क्या करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अच्छी परफॉर्मेंस क्या करेगी टॉप मैनेजमेंट इम्प्रूव करेगी कॉरपोरेट परफॉर्मेंस को जो कि एक्टिविटीज़ जो कि एक्टिव रखेगी एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा और इससे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नॉन एफिलिएटिड आउटसाइड डायरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर नंबर एंड पावर इन पब्लिकली हेल्थ कारपोरेशन एस सी ई ओ लूजन देयर ग्रिप्स ऑन बोर्ड नॉन एफिलिएटेड आउटसाइड डायरेक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि बाहर के डायरेक्टर्स हैं आर इंक्रीजिंग देयर नंबर अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं एंड पावर इन पब्लिक कॉरपोरेशन एस सी ई वो क्या करें एज अ सी ओ बन जाते हैं कॉरपोरेशन लीडर बन जाते हैं और वो क्या करें ग्रिप बना लेते हैं बोर्ड्स पर आउटसाइड मेम्बर्स आर टेकिंग चार्ज ऑफ एनअल सी ई ओ एवेलुएशन आउटसाइड मेम्बर्स का सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि वो क्या करें एक सी ई ओ को एवेलुएट करें एनवली जो एवेलुएट होते हैं कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना कि वो क्या करें अपनी हमारी कंपनी में आके किसी नम कंपनी में काम करना शुरू कर दें कंपनी के मैटर्स में दखल अंदाजी करें उनके मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी बोर्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर पर्टिकुलर पार्शियली बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इनसाइडर्स बट आल्सो बिकॉज बोर्ड डिजायर न्यू डायरेक्टर्स टू हैव स्पेसलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इंस्टेड ऑफ जनरल एक्सपीरियंस जो बोर्ड होते हैं आर गेटिंग स्मॉलर स्मॉलर होते जाते हैं पारशली बिकॉज ऑफ दस की वजह से रिडक्शन इन दंबर ऑफ इंसाइडर्स जब हमारे इंसाइडर्स क्या हो जाएंगे कम होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज क्यों बोर्ड डायरेक्टेड न्यू डायरेक्टर्स टू हैव स्पेसलाइज नॉलेज जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है उनके पास इतना नॉलेज नहीं है स्पेशलाइज नहीं है स्किल्स नहीं है जबकि जो न्यू मेंबर्स आजकल आ रहे हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है न्यू उसके मुताबिक स्पेशलाइज नॉलेज है तो वो क्या करती हैं वो भी ख्वाहिश होती है हर कंपनी की कि वो क्या होती है हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं बोर्ड कंटिन्यू टू टेक मोर कंट्रोल ऑफ बोर्ड फंक्शंस बाय आइदर स्प्लिटिंग द कंबाइंड चेयर सी ई ओ पोजिशन इन टू टू सेपरेट पोजिशन और इस्टेब्लिशिंग अ लीड आउटसाइड डायरेक्टर पोजिशन बोर्ड को कंटिन्यू करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ले, लें ब्रॉड फंक्शन बाई इधर स्प्लिटिंग या तो निकाल कर या कंबाइंड करके किस को चेयर या सी ई ओ पोजिशन इन टू टू सेपरेट पोजिशन दो सेपरेट पोजिशन में या तो उन्हें करते सेपरेट कर दे सिप्लिट कर दें और इस्टिशिंग और इस्टबलिश करें या फिर स्टैब्लिश करें आ लीड आउटसाइड डायरेक्टर पोजीशन एक ऐसा लीड आउटसाइड डायरेक्टर पोजीशन हो जिसकी जो क्या कहते हो पूरी कंपनी को होल्ड रखता हो जिसका सीईओ पे भी होल्ड हो एस कॉरपोरेशन बिकम मोर ग्लोबल जैसे कॉर्पोरेशन आजकल क्या हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही हैं दे आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन देयर बोर्ड मेम्बर्स ये कि ज़्यादा से ये क्या बढ़ा रही हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को बढ़ा रही हैं इन देयर बोर्ड मेंबर्स बोर्ड मेंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्रीज कर रही हैं इंक्रीज़ कर रही हैं नेक्स्ट कर देते सोशल रिस्पॉन्सिबलिटीज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द सोशल इन्वामेंट इन विच इट एग्जिस्ट कॉरपोरेट लेवल यानी बड़े लेवल पे सोशल रिस्पॉसिबिलिटी क्या है इज द इंटरेक्शन है बिटवीन बिजनेस एंड द सोशल इनवाट इन विच इट एग्जिस्ट बिजनेस के दरमियान एंड सोशल एनवायरनमेंट के दरमियान जो कि चल रहा है आजकल यानी कि हमारा कंपनी ऐसी होनी चाहिए हमारा बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि सोशली मीट करता हो रिस्पॉन्सिबल हो बवन और एक साइंटिस्ट हैं और दैट कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन टू परिमिसेस कौन कौन से सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन एन एम्प्लॉय एम्प्लायप्लायड सेट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लीगेशट आर इनहेरेंट टू सोशल पॉलिसी एंड अज्यूम्ड बाई बिजनेस एंड मॉरल एजेंट विच सजेस्ट डेट बिजनिस हैव एन ओब्लिगेन टू एक्ट ऑनरेबली एंड टू रिफ्लेक्ट एंड इनफेरेंस वैल्यू देट आर कंसिस्टेंट विद दो वो कहते हैं कि ना दो उस पर चलती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि क्या होता है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सोशल पॉलिसी बिजनेस के हिसाब से या सोशली या फिर कस्टमर की नीड के हिसाब से और दूसरा क्या होता है कि ऐसी सजेशंस होने चाहिए बिज़नेस को जो कि क्या हो ऑनरेबल हों रिफ्लेक्ट करती हो किसको इनफोर्स वैल्यूज को जो कि कंसिस्ट करती हो विद दो ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी में कंसिस्ट करती हो द थ्री परस्पेक्टिव नेक्स्ट द थ्री परस्पेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द थ्री परस्पेक्टिव ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द थ्री परसपेटिव सोशल रिस्पॉसिबिलिटी क्या होते हैं पहले हम सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉपिक पढ़ रहे थे नेक्स्ट आगे द थ्री परसपेक्टिव क्या होते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटीज़ के द थ्री परसपेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबनेस यानी हमारे पास पैसा भी हो हमारे पास कस्टमर भी हों और हम सोशली रिस्पॉन्सिव भी हों द थ्री परस्पेक्टिव रिप्रजेंट अ कॉन्टीन्यूम ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूज़ रेंजिंग फ्राम इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द लो एंड सोशल रिस्पॉन्सिबनेस एट दी हाई एंड उन्हें इसने उसने कंबाइन किया कि इसको थ्री परसपेक्टिव को रिप्रेजेंट हम कहते हैं कॉन्टीन्यम एक कॉन्टीन्यूसली चलती हैं टू कमिटमेंट होती है सोशल रिस्पॉसिबिलिटी इशूज को रेंजिंग फ्राम कहाँ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रिस्पॉन्सिबल होती है लो एंड दाई एंड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिवेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाई एंड स्टार्टिंग क्या हो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यानी कि हम पैसा कम से कम लगाएं जबकि हमारा क्या हो सोशल रिस्पॉन्सिबनेस क्या हो यानी कंपनी हमारी पब्लिक में भी फेमस हो जाए और हमारा कम से कम पैसा लग के हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकें हाई होना चाहिए द इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्पेक्टिव और स्टैट दी ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ टू मैक्सीमाइज प्रॉफिट विद इन दी rules of the game. ECONOMIC responsibility, kati argues, social responsibility, responsible of the business is to maximize performance, profit maximize profit within the rules of the game. moreover, the proponents of the viewpoint argue that organization. moreover, the proponents of this viewpoint argue दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नाट बी मॉरल एजेंट्स ओनली इंडिविजुअल्स कैन भी मोरल एजेंट्स जो कहते हैं कि व्यू पॉइंट अर् करते हैं कि सिर्फ बाहर के ही नहीं होने चाहिए यह क्या ओनली इंडिविजुअल्स एक सेपरेट ही होना चाहिए मोरल एजेंट होना चाहिए हमारा मॉरल होना चाहिए मॉरली स्पोर्ट करता हूँ इन कॉन्ट्रेस्ट दी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्पेक्टिव अर्स दैट बिजनेस शुड एक्ट इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट विद सोसाइटीज व्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज वेल एज विध एस्टैब्लिश लॉज एंड पॉलिसी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे क्या है कि आर बिजनेस शुड एक्ट इन ऐसे एक्ट करना चाहिए इन अ वे जो कि कंसिस्टेंट और तसलसुल रखता हो विद सोसाइटी व्यू को लेकर चलता हो रिस्पॉन्सिबल उनके बिहेवियर का एज वेल एज एंड विद इस्टेबलिश लॉ एंड पॉलिसी और उसी के मुताबिक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ग से पोजिशन, क्या पोजिशन एक्टिव होनी चाहिए कंसिस्टेंट हो जानी चाहिए सोसाइटी व्यू को लेकर चले उसके बिहेवियर को लेकर चले और फाइनली प्रोपोनेंट्स ऑफ दोशल रिस्पॉन्ट परस्पेक्टिव अर्ग दैट बिजनेस शुड भी क्या होना चाहिए फाइनली क्या होना चाहिए बिजनेस प्रोपोनेट ऐसे होने चाहिए शुड प्रो एक्टिविटी सीक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे बस उस सोसाइटी को लेकर चले पॉजिटिविजम को लेकर चले इन अ पॉजिटिव वे में लेकर चले अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवेलप एंड इंटरनल एनवामेंट दैट इंकरेजिज एंड स्पोर्ट इथिकल बिहेवियर एट एन इंडिविजल लेवल अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इस व्यू के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवेल्प करना चाहिए ऐसा इंटरनली डिवेलप इन्वायरमेंट जो कि इंकरेज करता हो सपोर्ट करता हो इथिकल बिहेवियर को यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर चलता हो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इस व्यू के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो कि इंडिविजुअल लेवल को लेकर चले एंड नाउ इस टॉपिक को एंड करती हूँ क्या था हमारा हमने क्या पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए सोशल और उसमें इसके थ्री पर्सपेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पढ़े हमने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ट्रेंड्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या था ट्रेंड क्या था फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉरपोरेट गवर्नेंस के रीड आउट किए एंड देन इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है जो कि नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या थी कि इनकी चीफ एग्जिव ऑफिसर चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स एंड चीफ मैनेजमेंट टीम के यहाँ क्या आती है मैनेजमेंट टीम में तीन ऑफिसर्स आते हैं चीफ एग्जैटिव ऑफिसर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर एंड चीफ़ फाइनेंस ऑफिसर फिर इनकी नीड देखी इनकी सिग्निफिकेंस देखा इनमें क्या था और फिर दैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल उसके बाद क्या देखी हमने लास्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके थ्री परस्पेक्टिव क्या होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के उसको लेकर किस तरह से चलना है नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे डिफरेंट अप्रोचेज़ ऑफ सी एस आर सी एस आर कौन था स्टेक होल्डर्स का होता है क्या होना चाहिए उनकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या होती हैं उन्हें किस तरह से हमने लेकर चलना है अलाइन किस तरह से करना है उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट टाइप्स होंगी यानी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वगैरह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के टाइप्स और ग्लोबल लेवल पर हम इसे रीड आउट करेंगे इनशाला ओके क्लास अल्लाह हाफिज़